क्या पठान का ट्रेलर लीक हो गया है? क्योंकि पठान ट्रेलर ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर और पूरे इंटरनेट पर। फरमाने वाले इस महीने हो 2023 की जनवरी की इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक कही जा रही है। वरीसू भी एक फिल्म है और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिलहाल ये है कि क्या पठान का ट्रेलर लीक हो गया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं और कुछ वीडियो क्लिप भी डाल रहे हैं और उसमें शाहरुख खान नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही एक क्लिप इसने शेयर किया और लोगों को लगा कि ये क्लिप रियल है। लेट मी टेल यू कि पठान का ट्रेलर कहीं से लीक नहीं हुआ है, ये वायरफ की तरफ से या कहीं से भी। वो जो क्लिप आपको नजर आ रही है कुछ सेकेंड्स की, जहां पर शाहरुख खान फाइट करते आ रहे ट्रेन में गुंडों के साथ, वो भी फॉरेनर गुंडे हैं, वो उनका इसी साल में मतलब 2022 में एक ऐड आया था थम्स अप का, जहां पे 1 मिनट में शाहरुख खान ने जो एक्शन दिखाया था वो बहुत ही काबिले तारीफ था। थम्स अप का बहुत ही बढ़िया तूफानी ऐड था वो। और हम यही तभी से सोच रहे थे कि पठान में भी कुछ ऐसे ही एक्शन हो जाए तो सीटियां तालियां बजे और मजा आ जाए। तो वो जो वीडियो है थम्स अप ट्रेलर का, थम्स अप का जो एड है उसका, वो किसी ने थोड़ा सा ऐसा शूट करके डाला है, थोड़ा एडिट करके, तो ऐसा लग रहा है कि सही में ये पठान का ही लीक फुटेज है। लेकिन पठान का ट्रेलर का लीक फुटेज नहीं है, दैट इज फ्रॉम द एड। सो जो जिसको बेवकूफ बना सक रहा है वो बना रहा है। लेकिन बात ये है कि पठान ट्रेलर इज स्टिल ऑन इट्स वे। वैसे जैसे आ जाना चाहिए था ट्रेलर देखा जाए लॉजिकली, और फर्स्ट वीक में ही आना चाहिए था जो अभी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन नजर आ रही है, ज्यादा जल्दी वो रिलीज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 4 से 4.5 साल बाद सलमान शाहरुख खान कमबैक है, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो उसे स्पॉइल करे। और इस ट्रेलर में बहुत कुछ हो सकता है, शायद सलमान खान का कैमियो भी हो सकता है, इसलिए एक्साइटमेंट डबल टिबल है। और मेरे हिसाब से जो पता चल रही चीज है कि भाई सेकेंड वीक में ही आने वाला है, और मैं तो यहां तक सुना कि 10 तारीख तक रिलीज कर देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, ऐसी कोई अफवाह पर विश्वास ना करें कि पठान का ट्रेलर लीक हो गया है, क्योंकि वायरफ जितनी सिक्योरिटी कोई नहीं देता है, वायरफ का जितना क्या बोलते स्ट्रांग वो क्या बोलते हैं नेटवर्क है या सर्वर है जो भी है, उसे हैक नहीं कर सकता है कोई भी। और बहुत ही वहां का अलग ही फंडा रहता है, प्रोटोकॉल बहुत ही खतरनाक रहता है, और इसीलिए कभी भी हमें वायरफ की कोई भी जानकारी जल्दी पता चलती नहीं है। सो हियर द न्यूज इज पठान ट्रेलर हैज नॉट बीन लीक्ड। और पठान ट्रेलर जो ट्रेंड हो रहा है वो फैंस की एक्साइटमेंट से ट्रेंड हो रहा है। जो लोग पठान ट्रेलर लीक या इस तरह से वीडियो डाल रहे हैं वो फेक वीडियो है। और वो कहीं मैं भी एक बार देख के बेवकूफ हो गया था, तो थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा पता चला कि भाई अरे ये तो ऐड है, देखा हुआ लग रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसा है तो आप बेवकूफ बन जाओगे। तो ये याद रखना, थोड़ा सा रिसर्च कर लो उसके बाद न्यूज़ बना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पठान ट्रेलर के लिए कितना एक्साइटेड है आप लोग जरूर बताइएगा। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।